नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है महंगाई डैन खाए जाते हैं। जी हाँ, महंगाई डैन खाए जाते हैं, ये गाना बहुत ही प्रचलित था और कभी कांग्रेस की सरकार थी तो जोर शोर से बजता था। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग गले में सब्जियों की माला डाल के निकलते थे और स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेकर के घर से बाहर निकलती थी, धरना प्रदर्शन होता था। आज वही आलम है, महंगाई चरम पर है, लेकिन कहीं कोई धरना नहीं, कहीं कोई प्रदर्शन नहीं, कोई सुध लेने वाला नहीं। और सिर्फ ये महंगाई एक जगह पर नहीं दिखाई दे रही है, ये महंगाई सब जगह दिखाई दे रही है। ये महंगाई चाहे सब्जियों पर हो, हरी सब्जियाँ प्लेट से गायब हैं, नदारद हैं। बाकी सब्जियों की बात करें तो सब्जियों के राजा आलू के भाव तो इतने बढ़ गए हैं कि अब वो किसी को भाव नहीं दे रहे हैं। 50 से 60 रुपए किलो प्रति किलो आलू हो गया है और टमाटर तो इतना सुर्ख लाल हो गया है कि लगता है कि लाल लाल आंखें तरेर रहा है। और बाकी सब्जियों की बात करें तो वो आपस में एक दूसरे से प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं कि कौन किससे ज़्यादा महंगा हो सकता है। बात सिर्फ सब्जियों की नहीं है, खाद्य पदार्थों की बात कर ले, तेल की बात कर ले, हम बात कर ले अगर दाल की तो दालें भी काफ़ी महंगी हो गई हैं, सरसों तेल भी बहुत महंगा हो गया है। यानी कि हर चीज़ पे महंगाई की चपत लगी है। वेज की बात करें, नॉन वेज की बात करें तो नॉन वेज भी कभी यही आलम है। अंडा रोज खाओ, अंडे संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे, ये स्लोगन अब बेईमानी हो चला है, क्योंकि अंडा जो कभी 3 रुपए का था वो कच्चा अंडा अब 5 रुपए से बढ़कर के 6 रुपए 7 रुपए तक हो गया है। और अगर आप उबला अंडा एक बाहर खाएंगे तो ये आपको 9 से 10 रुपए में मिलेगा। तो अब आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, क्योंकि कोरोना घर घर में दस्तक दे रहा है, दूसरी वेव का इंतजार हो रहा है, ठंडक में दूसरी वेव आ सकती है। ऐसे में आदमी अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हरी सब्जी गायब है और तमाम चीज़ें उसकी थाली से गायब हो चली हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ दिखा देते हैं आपको। ये बाइट देखिए, सुनिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। यही प्याज अगर तुम होटल में जाओ, तुम 200 रुपए किलो से भी मॉल से 200 रुपए किलो से खरीदते हो, अगर किसान लोगों को मिलता है 70-80 रुपए, एक आध साल 10 साल में 1-2 साल आता है मिलने, तो क्या फर्क पड़ता है आपको? हा? लगता है क्या इनकम टैक्स का रेड होने के बाद व्यापारियों के माध्यम से भाव बढ़ाए गए? देखो प्रॉब्लम ये अभी इसमें शेतकरी लोगों का कुछ ले कुछ उसको कुछ फायदा नहीं है। अभी व्यापारी लोग माल देते है, लेते लेकर स्टॉक करते है, अब ठीक है उनकी कोई ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम होगी, 4-8 दिन माल पड़ता होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है को दबा के सिर्फ दबा के रखेंगे, मार्केट में लाएंगे नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। जो चल रहा है वो चलने दो, रिकवर 80 हो गया, 90 हो गया, 100 हो गया, देखो कभी कभी मिलता है किसान लोगों को ये रेट, कभी कभी मिलता है। वो गलत नीति है सरकार की, सरकार है ना सिर्फ शेतकरे को है ना वो मार डालना जा जाती है कि अभी हमने 6 महीने से वो प्याज स्टोरेज करके रखा है 300 क्विंटल, अभी वो बच गया 30-40 क्विंटल, और उसका 2 रुपये मिल रहा है, तो हमारा सोयाबीन गया, मक्का गई, और उनाल का लाल कांदे का जो लाल कांदा बोलता है वो उसका हमने 1 लाख रुपए का बीज लिया है, वो अभी वाह खेत में जाओ तुम, तुमको 1 बीघा भी कांदा नहीं रहेगा। सर सब्जी को देखा जाए तो पहले के पीछे सर काफ़ी महंगी हो गई है, मतलब पहले सब्जियां हम लोग जो लोग बहुत सस्ता खरीदते थे, आलू भी देखा जाए तो इस समय 40 रुपए किलो के आसपास है, प्याज भी हम लोग देख रहे हैं तो वो भी पहले के पीछे बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। मैंने पहले हम लोग इस समय देखा जाए 70 रुपए किलो खरीद रहे हैं, इसके पहले जो है हम लोग सस्ता खरीदते थे, इसके पहले काफ़ी सस्ता था, लेकिन इस अन्य सब्जियों की भी अगर बात किया जाए सर तो पहले जहां हम लोग काफी सस्ती खरीदते थे काफी इंक्रीज हुआ है, मतलब दाम में काफी इंक्रीज हुआ है। टमाटर सर 30 रुपया खरीदे थे, आजकल आज इस समय देखा जाए 40 रुपया के आसपास खरीद रहे हैं, 40-45 रुपया के आसपास खरीद रहे हैं। लोगों के ऊपर कितना भार है सर? देखिए हम लोग तो एक सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं, और चूंकि इस समय लॉकडाउन का भी समय चल रहा है
तो इस समय देखा जाए तो हम लोग जॉबलेस भी हैं, लेकिन अब इस समय में जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है उस हिसाब से देखा जाए तो काफी जो है महंगाई जो है बढ़ गई है। हर सब्जियों का दाम जस्ट दूना हो चुका है इस समय। प्याज 70 रुपया बिक रही है, आलू 40 का बिक रहा है, हरी सब्जियां भी मतलब पहले से काफी महंगी है। लोगों के जेब के ऊपर कितना भार पड़ रहा है? अब आम जनता इससे त्रस्त है, जेब पर भार पड़ रहा है। और भैया क्या क्या चीज महंगा हुआ है? सब चीज महंगी हो गई है, आलू आलू प्याज प्याज 70 रुपए किलो है। आलू देखिए ये पूछ रहे हैं, पचास सब जगह है, यही है आलू है भिंडी है सब तो सब्जी महंगा है। क्या पढ़ाया क्या खिलाएगा? बहुत महंगी है, इतनी महंगी है कि क्या बच्चों को खिलाएं क्या पढ़ाएं इतनी महंगाई में। 70 रुपए किलो प्याज है, 50 रुपए 60 रुपए किलो टमाटर है, 50 रुपए किलो आलू है, बताइए। और सब्जियां सब महंगी है, प्याज 70 रुपए किलो है, 350 रुपए 300 रुपए पसेरी प्याज मिल रहा है। ये 40 रुपए से लगा कर 50 रुपए के बीच में प्याज है, और गोली छोटी 35 से 40, 35 से 50 के बीच में टोटल सारा प्याज बिक रहा है। सर देखिए पिछले दिनों की बात करें, आज के 15-20 दिन पहले की, तो यही प्याज जो 40 से 50 बिक रहा है ये 30 रुपए किलो बिक रहा था। और तेजी आने का कारण है जो 40-50 बिक रहा है, कर्नाटक की जो फसल आने वाली थी अपने अक्टूबर के महीने में आती है, वह बारिश होने के कारण पूरी फसल नष्ट हो गई है। जो प्याज कर्नाटक का दिल्ली आता था वो नहीं आ पा रहा, उल्टा दिल्ली से अपने एमपी से कर्नाटक जा रहा है, वहाँ की फसल खराब है कर्नाटक की। जी हाँ, तो सुना आपने कैसे अपना दर्द बयां कर रहे हैं ये लोग कि क्या खाएं और क्या छोड़ें। जिस चीज पे हाथ लगाते हैं वही चीज एकदम आसमान पर चढ़ी हुई नजर आती है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। शबनम पांडे हमारे साथ में जुड़ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेत्री है, बहुत स्वागत है शबनम पांडे जी आपका। और हमारे साथ विभा शुक्ला भी जुड़ चुकी है, समाजवादी पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेत्री है, आपका भी बहुत स्वागत है विभा शुक्ला जी। और रोहित सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं युवा चेतना के, बहुत स्वागत है रोहित सिंह जी आपका भी। और लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ एक खास मेहमान है कालिंदी शर्मा भी जुड़ चुकी है। आपके बारे में बता दें कि ये भारत की पहली महिला साइकिलिस्ट है, यानी कि पहली बार जो पहली महिला साइकिल यात्रा के लिए निकली थी वो आप ही हैं। तो हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं और हम सीधा रुख करेंगे कालिंदी जी का। कालिंदी जी, महंगाई डायन खाए जाता है, आपको कितना सता रही है ये डायन? जी महंगाई तो बहुत ज्यादा है, मार्केट में आप जाइए तो देखने को मिल रहा है। और इसका खास कारण ये हो रहा है कि किसानों की जो लॉकडाउन में किसान अपनी खेती बाड़ी नहीं कर पाए हैं, इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। इनके वजह से ये सारी जो दिक्कतें आ रही हैं, अगर किसानों की तरफ ध्यान दिया जाता तो आज महंगाई ये चरम सीमा पर ना होती। जी आपकी रसोई पर कितना असर पड़ा है इसका? जी रसोई पर तो इतना बड़ा असर पड़ा है कि सब्जी की तरफ देखने का मन नहीं, और जो भी चीज़ें खाने के लिए वो सोचना पड़ता है 10 बार कि क्या बने। और मार्केट में जाने से तो कतराते हैं हम लोग कि क्या करें क्या करें क्या ना करें। और बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग बहुत वैरायटी से जो खाते थे, आज एक भी सब्जी खाने के लिए सोचना पड़ता है 10 बार। जी एक भी सब्जी कोई भी चीज़ खाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। शबनम पांडे जी आप भी नेत्री के साथ साथ में गृहिणी है, आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है किचन में, कितना बजट गड़बड़ा है आपका? और इसका सामना सभी मध्यम वर्गीय हो या गरीब तबके के लोग हों, सबको इसका सामना करना पड़ रहा है। पर कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसकी वजह से ये महंगाई बढ़ी है, उस पर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ दर्शकों का। देखिए सबसे पहली चीज कि बेमौसम बारिश हो रही है, आप देखिए साउथ में लगातार बेमौसम बारिश हो रही है, जहां से प्याज का पैदावार बहुत ही बड़े इससे बड़े स्तर पे होता है, तो उस प्याज की पैदावार खराब हो जाने से और कोरोना काल के समय भंडारण किया हुआ प्याज कहीं ना कहीं, क्योंकि प्याज भी ऐसी चीज है कि हम लंबे समय तक उसका भंडारण नहीं कर सकते, चाहे प्याज हो आलू हो हरी सब्जियां हो, इनके लंबे समय तक भंडारण नहीं हो सकता। हरी सब्जियों को तो डे पर डे टू डे के इस पे ही मार्केट में लाना पड़ता है। और कोरोना पेंडेमिक अगर आप देखें, हर सदी में जब पेंडेमिक हुआ है उसके बाद महंगाई जोरों से बढ़ी है, क्योंकि
सप्लाई चेन टूट जाता है, लोगों में हाहाकार मच जाता है पेंडेमिक में, हर हर घर में हर मोहल्ले में लोग बीमार होते हैं, सामानों को मार्केट तक पहुंचाने वाले लोग नहीं होते हैं। और जैसा कि इस पेंडेमिक में लॉकडाउन की व्यवस्था करनी पड़ी इससे बचाव के लिए, तो निश्चित तौर पे परिवहन को भी रोक दिया गया, तो मार्केट में चीजों का पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया। उस दौरान में गांव में देखा जाए जहां फसल होता था वहां बहुत ही सस्ते दामों में सब्जियां मिलती थी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वगैरह सब इंक्लूड नहीं होता था, किसान वहीं से वहीं मार्केट में बेच दिया करता था। पर वो सप्लाई चेन टूटना, बेमौसम बारिश होना, इसी दौरान अगर देखा जाए तो तटीय इलाके में बाढ़ आने की वजह से भी फसल काफी बड़े संख्या में खराब हुई, मजदूरों का कोरोना में नहीं मिलना, फसल की रुपाई में दिक्कत होना, बहुत से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से उत्पादन पे उसका असर हुआ है। और डिमांड कोरोना टाइम में कम होने से स्टोरेज वाली चीजें जो खराब होने वाली चीजें हैं जैसे सब्जियां आलू प्याज जैसी चीजें जी, और अब मार्केट का खराब होना भी रहा, ठीक है, और अब मार्केट में उनकी कम उपज है और दाल में कोई बात नहीं भाई, ठीक है, आपकी बात पूरी, किस कारण से हुआ, ठीक है सबनम पांडे जी, दोबारा से आपका रुख करेंगे, विभा शुक्ला का रुख करते हैं। विभा जी, क्या आप सबनम पांडे जी की बात से इत्तेफाक रख रही हैं? एक चीज कही कि है, महंगाई बढ़ी है, निश्चित बढ़ी है, चलिए ये कम से कम एक बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी की प्रवक्ता ये मान रही है कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन जो उन्होंने सफाई दी है आज सरकार की तरफ से, वो महंगाई किस लिए बढ़ी है, वो मुझे लगता है कि उसी तरीके से सर के ऊपर से निकल गया है जिस तरीके से सरकार की सारी बातें, आज तक 100 दिनों में गड्ढा मुक्ति है, जितनी भी बातें ये लोग बोलते हैं वो सब सर के ऊपर से जनता के निकल गई, वैसे ये भी बात जो बीजेपी की प्रवक्ता है सर के ऊपर से निकल गई। जहां तक महंगाई की बात है, मैं आपको बीजेपी की प्रवक्ता को ये बता दूं, खाने की थाली बहुत सजा के आती है, लेकिन हम जैसे लोगों के यहाँ आज दाल से लेके हर चीजों में दाल में पानी बढ़ा दिया गया है, और सब्जी एक टाइम बनती है या नहीं बनती है, ये सारी चीजें लोग मध्यम वर्गीय लोग जो है बिना खाए रह जाते हैं, लेकिन अपने घर की बात दूसरों को नहीं बताते। आज घरों में खाना नहीं बन रहा है मैडम, आज जो है टमाटर प्याज लहसुन और जो दाल रोटी की बात करते थे, आज आपकी सरकार ने वो भी छीन लिया है। आज दाल रोटी भी मध्यम वर्गीय से लेके जो गरीब तबका था, शाम को 200 रुपया 250 रुपया कमा के लाता था, कम से कम पेट भर खाना खाता था, आज 250 से 300 रुपए में आपको पेट भर एक आदमी का खाना नहीं मिलेगा। आपकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक ऐसी स्थिति सुन लें, और सरकार की जो आप सफाई दे रहे हैं कोरोना काल में, तो हमें मुझे लगता है कि पूरे बीजेपी के नेताओं की इस कोरोना महामारी के समय में ही केवल चिकित्सा के नाम पे जितने सैनिटाइजर, चिकित्सा के नाम पे इतना बड़ा घोटाला आपने कर लिया है कि आपके यहाँ तो रबड़ी मलाई भी खा खा के जो है आपके जानवर, देखिए निश्चित तरीके की बात कर रहे हैं, ठीक है सबनम पांडे जी, आप जानती हैं कि मैं पहले सारे लोगों को डिबेट में शामिल करता हूँ उसके बाद रिएक्शन लेते हैं, तो आपसे यही अनुरोध करेंगे कि आप थोड़ा धैर्य रखें, आपके पास आएंगे। रोहित सिंह जी का रुख करेंगे, रोहित जी आपने सारे लोगों को सुना, आपकी पहली प्रतिक्रिया। नंगा राज स्थापित हो चुका है, गरीब भूखे मर रहा है, किसान को उसके फसल का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, मजदूर मजबूर हो चुका है। शबनम जी ने एक अर्थशास्त्री के तौर पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार और योगी सरकार को बचाने का प्रयास किया है, हम उसका खंडन करते हैं। यहाँ कोई इकोनॉमिस्ट की बात तो हो नहीं रही है साहब, दिक्कतें तो हर शासन में होती है, हर समय होता है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार इस देश में 2004 से 14 तक थी यूपीए 1 और 2 के रूप में, तो स्मृति ईरानी जी हर दूसरे दिन प्याज की माला, लहसुन की माला, गोभी की माला, आलू और टमाटर की माला पहनकर जंतर मंतर पर तांडव करना शुरू कर देती थी। आज जब देश में महंगाई बढ़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कोविड के लॉकडाउन का हवाला दे रही है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से पूछना चाहते हैं कि इस देश के जनमानस का कमर तोड़ने के पीछे जीएसटी, नोटबंदी और कोरोना काल के लॉकडाउन को किसने लागू किया? मोदी जी ने ही तो हिटलर के तौर पर लागू कर दिया, और मोदी जी के इसी अफलातूनी निर्णय ने
जिस तरह मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली राजधानी को परिवर्तित कर जनमानस को परेशान किया था, उसी प्रकार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अल्पज्ञता का परिचय देते हुए जीएसटी, नोटबंदी और लॉकडाउन लगाकर इस देश के कामगारों के ऊपर जुल्म दहा दिया है। आज प्रधानमंत्री जी गरीब मजदूरों से चर्चा कर रहे थे, रेहड़ी वाले और पटरी वालों से चर्चा कर रहे थे। ठीक है रोहित जी, हम पूछना चाहते हैं पार्टी के लोगों से, उस दिन आप चर्चा क्यों नहीं कर रहे थे जब इस देश में हिटलर की तरह 4 महीने तक आपने लॉकडाउन थोप दिया? ठीक है रोहित जी, आपके आपका समय समाप्त, आएंगे दोबारा से आपके पास। ठीक है कला निधि जी, क्या आप जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही हैं, नेत्री कह रही हैं, उससे इत्तेफाक रखती हैं कि चूंकि कोरोना काल है, सप्लाई चेन खराब हो गई है, किसानों पर भी मार पड़ी है, इसकी वजह से ये महंगाई बढ़ी है? जी, गांव में अब जब जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, गांव में जितने किसान थे लगभग बाहर काम कर रहे थे, जो घर पे थे वो अपना किसानी करते थे, लॉकडाउन में सभी अपने घर के तरफ वापसी जब हुई है उस टाइम किसानों की खेती बाड़ी में काफ़ी दिक्कत हुआ है। उसके बाद से आ गया है बरसात में भी काफ़ी लोगों की दिक्कत हुई है, और हम इसको मानते हैं। अगर आप बार बार इस बात के कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है और एक तरफ बोलते हैं कि किसानों की साथ दुर्व्यवहार हुआ है, नहीं, आज जब महंगाई की बात करें, सब्जी की बात करें, तो क्या वो पैसे किसान के ही तो झोली में जा रहे हैं? बाकी चीज़ों की होती है तो उसमें आप कुछ नहीं कोई बोलता है, लेकिन सब्जियां महंगी होनी चाहिए किसानों की। वो एक भुट्टा आप देखेंगे तो 2 रुपया किसानों के वहाँ से खरीद के लाते हैं, और मॉल में आप 82 रुपया को मिलता है, तो किसान को 2 रुपया और 80 रुपया मॉल में बिकता है। तो हम इसको नहीं मानते हैं, किसानों के जेब में अच्छी से अच्छी पैसे अगर जाएगी तो किसान भी डेवलप करेंगे, तो किसानों के तरफ ध्यान देना चाहिए ना। आप ही कह रही हैं मार्केट में 82 रुपए का भुट्टा किसान से खरीदते हैं 2 रुपए का, 2 रुपया। और आज देखिए किसानों की तरफ हम हमेशा इस बात के लिए कहेंगे कि नहीं, सरकार, आप तो कंट्राडिक्शन बात कर रही है ना जी। एक तरफ आप कह रही हैं कि किसान को फायदा मिल रहा है, दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि बड़े उद्योगपतियों को फायदा मिल रहा है। नहीं, रोहित जी आपके पास आऊंगा जी, इसमें देखिए उद्योगपतियों को ही मिल रहा है ज्यादा, किसानों को नहीं मिल पा रहा है। आज भी किसान मारे फिर रहे हैं, जो भी थोड़ा बहुत हुआ है ना तो वो उनके पास हुआ है। आज देखिए मार्केट में जाइए और मॉल में जाइए, दोनों को डिफरेंस मिलता है, हर तरह से मिल रहा है। तो इससे ज्यादा से ज्यादा जितनी भी हो रही है वो किसान मारे जा रहे हैं। किसानों को डेवलप के लिए हर सरकार को सोचनी चाहिए। किसान आपको देखिए उनके टूटे चप्पल होते हैं, उनके पैरों में दिक्कत हो जाती है, उनके विषय में सोचना चाहिए हमें। ठीक है सबनम पांडे जी, कालिंदी जी कह रही हैं आप लोगों को किसानों के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन जो आरोप विपक्ष लगा रहा है वही आरोप वो भी लगा रही हैं कि आप बड़े बड़े घरानों के लिए सोच रही हैं। सबकी बातों का जवाब देना चाहती हूँ। सपा की प्रवक्ता अगर ये कहती हैं कि उन्हें समझ नहीं आई मेरी बात और सर के ऊपर से निकल गया, तो मैं इसको पूरी तरीके से मानती हूँ। क्योंकि सब ट्विटर से सुनिए मैडम, पूरे देश को नहीं समझ में आया आपकी बात, पूरे देश को नहीं समझ में आया, उत्तर प्रदेश को नहीं समझ में आया। मोदी जी पे कहते लॉकडाउन में आ रही है सरकार की बात, बता दूं कि अगर लॉकडाउन की बात चली जाती है तो जो कोरोना से जिस तरीके से अमेरिका कर रहे हैं लोग मरे और कोरोना के नाम पे कितना जेब आपकी सरकार ने भरा है ये देख लीजिए ना आप, देखिए कितने लोग धनाढ्य हो गए आपके कार्यकर्ता, क्या बात कर रहे हैं आप। अरे रहने दीजिए, कोरोना के नाम पे रो रही है भारत में, जान बची है भारत में, बता रखी है कोरोना के नाम पे आप लोगों ने, वो WHO भी उसकी सराहना कर रही है। अब तीसरी बात है किसानों की बात पे अगर आप कहते हैं तो इसीलिए हमने वो कानून बनाया है जो इससे बीज से बिचौलिए हटे और किसान जहां मर्जी वहां अपने उत्पादन को बेच सके, ताकि किसानों को सबनम पांडे जी आपने सबकी बात का जवाब दे दिया, आम आदमी के कुछ सवाल हैं उनका भी जवाब दे दीजिए। विभा शुक्ला जी कुछ सवाल पूछने का जरा टाइम दीजिए, मैं आपके पास भी आऊंगा, आपसे भी सवाल करूंगा। सबनम पांडे जी सवाल ये है, आपने कहा कि सब चीज़ें खराब हो गई हैं कोरोना काल में, सारी चीज़ों में स्लो डाउन हुआ, सिर्फ कृषि एक ऐसा क्षेत्र था जिसने आपकी उम्मीदों को परवान चढ़ा, 2.6 के हिसाब से कृषि आगे बढ़ी और उसके बाद भी किसानों के हाथ खाली है, उद्योगपतियों के हाथ भर रहे हैं,
क्या कहेंगे इसको? देखिए हमने बढ़त लिया, लेकिन जहां तक आप प्याज की बात, कृषि में आपने बढ़त लिया या किसानों ने आपको बढ़त दिलाई? मतलब जो अच्छा हो वो आपका, जो बुरा हो वो आम आदमी का? नहीं नहीं, अगर ऑटो सेक्टर में गिरावट आती है तो इस गिरावट का जिम्मेदार आम आदमी, और अगर कृषि में अच्छी वो होती है तो उसका वो सरकार ने करवा दिया। बड़ी मेहनत के साथ बढ़त दिलाया है, इससे मैं कहीं इनकार नहीं करी और वो सराहनीय, लेकिन आप भी जानते हैं कि सितंबर अक्टूबर में बारिश नहीं होती है ज्यादातर, आप देखेंगे। शबनम पांडे जी, आप कैसी बात कर रही हैं? बरसात, लौटती हुई बरसात हर साल होती है। आपने इतिहास और भूगोल दोनों पढ़ा है, मैं जानता हूँ आपको बहुत पढ़ी लिखी है। और उसकी वजह से प्याज पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, और जो सब्जियां, मेरे दो तीन छोटे छोटे सवाल है, शबनम पांडे जी से पूछ लेता हूँ। शबनम पांडे जी, आपने डी लिमिट कर दिया कि कोई भी उद्योगपति जितना मर्जी उतना स्टॉक रख सकता है। अब सवाल यह है कि आलू के गोदाम भरे पड़े, कोल्ड स्टोरेज आलू से भरे पड़े हैं, 30 लाख से ज्यादा टन आलू कोल्ड स्टोरेज में भरा पड़ा है, 8 लाख टन चाहिए खाली बीज के लिए, इसके बावजूद लाखों टन आलू वहां भरा पड़ा है और मार्केट से आलू गायब है। अब आप बता दीजिए कि आलू कैसे मिलेगा लोगों को? आलू बहुत अच्छी तरीके से कम दामों में उपलब्ध होगा, लेकिन कोरोना काल के की वजह से कहीं ना कहीं सप्लाई चेन में कमी आई है। देखिए ये बातें सपा बसपा ये लोग समझ नहीं सकते, उनकी राजनीति करने की राजनीति नहीं करना इन्हें मालूम नहीं, ये ट्विटर पे सुने। शबनम पांडे जी, विभा जी आपके पास आऊंगा, विभा जी मुद्दे से भटक जाएंगे, आपके पास आएंगे, जरा एक सवाल और पूछ लें फिर आप ही के पास आएंगे। आ रहा हूँ रोहित जी आपके पास भी। आप लोग इतने गिर चुके हैं बिहार में जाकर वैक्सीन का लालच दे रहे हैं होटल को, विभा जी आपको तो, विभा जी मुद्दे को भटकाइए नहीं, हम लोग महंगाई पर ही रुकेंगे भाई, आम आदमी की बात है। सब विभा जी रुकिए, सवाल पूछने दीजिए। संवेदनशीलता रखिए और शुक्ला जी रुकिए, शबनम पांडे जी मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं जो आम आदमी से रिलेटेड है, जरा ये बता दीजिए, प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत में आलू टमाटर और प्याज को एसेंशियल कमोडिटीज में रखा था और उसके लिए 500 करोड़ रुपए अलग से रखे थे, लेकिन वो इन तीनों सब्जियों को भी उससे निकाल के बाहर कर दिया गया, तो महंगाई होगी उस पर रोक कैसे लगेगी? मैं ये मानने से इनकार नहीं कर रही कि, लेकिन ये जितने भी चीजें आप बता रहे हैं सब पेरिसेबल आइटम्स हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, इनके लंबे समय तक भंडारण, पांडे जी कोल्ड स्टोरेज भरे पड़े हैं, खराब नहीं हुआ है। सुन सवाल सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको आंकड़ों के साथ बता रहा हूँ, कोल्ड स्टोरेज भरे पड़े हैं आलू टमाटर प्याज से, लेकिन ये उद्योगपति निकाल नहीं रहे। और दूसरी सुनिए सवाल, ये कह रहे हम तब निकालेंगे जब ये सीजन आलू का सीजन सामने आ जाएगा, आलू की खुदाई शुरू होगी, उसी समय ये अपना आलू बाहर निकाल देंगे, जिससे किसानों का आलू 1 रुपए से लेकर के 50 पैसे किलो तक बिके, ये मार्केट का खेल है, समझिए शबनम पांडे जी। आप अगर पीछे की इतिहास देखिए तो पैंडेमिक के बाद पूरे विश्व में महंगाई का दौर चल रहा, और केवल उत्तर प्रदेश, पूरे देश में, चाहे वहां पे कांग्रेस का शासन काल रहे या किसी और पार्टी का, हर जगह इस तरह की महंगाई है। अगर उत्तर प्रदेश की बात होती तो मैं मानती कि हाँ कहीं होर्डिंग हो रही है, लेकिन ये पूरे देश भर में ठीक है। ठीक है शबनम पांडे जी, ब्रेक पर जाना पड़ेगा, आऊंगा फिर उसके बाद में विभाजी करूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। सवाल ये उठता है कि एक तरफ
डीलिमिटेशन करने से उद्योगपतियों को मौका मिल गया कि जितना मर्जी उतना होर्डिंग कर ले, दूसरी तरफ किसानों को वो मिल नहीं रहा है, तीसरी तरफ बड़ी बात यह है कि अब जब सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक बार फिर से इस पर लिमिट लगाई है और प्याज का एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है और इंपोर्ट शुरू कर दिया है, तब नासिक में 15 बड़े उद्योगपतियों ने मंडियां बंद कर दी हैं और उसमें बोली लगाना भी बंद कर दिया है। उनका कहना है कि पहले जो डीलिमिटेशन है उसको चालू करिए, उसके बाद ही हम इसमें शिरकत लेंगे, और ये अगर जल्दी ही मंडियां चालू नहीं हुई तो ये आलू और प्याज आपको इससे दुगने दाम पर देखने को मिलेंगे। सरकार करे तो क्या करे उसकी समझ में नहीं आ रहा है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला बसंत, अनोखा स्वाद। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D-Pharma, B-Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus, Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. Khudi ko aazmaya hai, to ye andaaz aaya hai. Khudi ko aazmaya hai, to ye andaaz aaya hai. Tum mein bhi main hoon, Shuddh Plus. देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुकी हैं, सना शेख जुड़ चुकी हैं कांग्रेस की और अमूनी का रुख करेंगे। सना शेख जी, आप बताइए महंगाई की मार आपके किचन में कितना पड़ी है और कांग्रेस इसको लेकर के क्या कर रही है? और देखिए महंगाई की मार जो है वो कुछ इस कदर से चल रही है कि आम जनता तो क्या, हर एक इंसान इफेक्टेड हो रहा है उससे। आजकल प्याज जो है वो 70 रुपए में मिल रहा है और दालों के क्या दाम है, मतलब आम जनता का जो किचन है वो बहुत ही महंगा हो चुका है। गरीब जनता जो है, मतलब जो है सब्जी नहीं खा पा रही है। इस तरीके से जो है, अरे क्या कहते हैं, भाजपा सरकार का उत्पीड़न जारी है आम जनता के ऊपर। और कांग्रेस की सरकार में जब थोड़ा सा भी दाम कभी 1-2 रुपए इंक्रीज होता था तो स्मृति ईरानी जी क्या कहते हैं, सिलेंडर और गैस चूल्हा और सना खान जी, सना खान जी, सना शेख जी, सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है, ये जो महंगाई बढ़ रही है, क्या देश के लिए हम आम आदमी इतना भी नहीं कर सकते, इस महंगाई को भी नहीं सह सकते क्या? राष्ट्र के लिए कुछ तो करना पड़ेगा भाई। जिस स्थिति में हमारा उत्तर प्रदेश, तो क्या पूरा देश गुजर रहा है, जो कि अभी लॉकडाउन कोरोना जैसी महामारी से हम लोग जूझ के अभी उभर भी नहीं पाए हैं, पूरी तरीके से अनलॉक हुआ है, अब काम धीरे धीरे स्थिर हो रहा है, उस दौर में इतनी महंगाई चल रही है कि प्याज 70 रुपए में है, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आम जनता क्या खाएगा? हम ही हम लोगों को बिल्कुल ठीक बात, हम लोगों को वंचित कमाई जिनकी होती है, बेचारे जो सिर्फ जो मजदूर होते हैं वो, अरे जिनकी कमाई सुबह से शाम तक की है, वो अपना अपना राशन पानी, अपना किचन, अपना कैसे खा पी रहे होंगे। ये बिल्कुल तो ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है कि जो आदमी दिन भर कमाता है शाम को खाता है उसके लिए तमाम मुश्किलों का जी बिल्कुल ठीक बात ठीक है,
वो शाम तक जो जो भी कमा करके अपने घर ले जाता है तो 70 रुपए का प्याज खा करके वो बेचारा और क्या खाएगा? कोई मुझे ये बता दे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। नून रोटी भी नहीं चल रही, दाल रोटी भी नहीं चल रही है, प्याज रोटी भी नहीं चल पाएगी। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। आएंगे सना जी आपके पास दोबारा से, रोहित जी का रुख करेंगे। रोहित जी सवाल ये है कि अगर डी लिमिट ना करे तो उद्योगपति नाराज। नासिक के 14-15 मंडियों में उद्योगपतियों ने स्ट्राइक कर दिया है, और अगर लिमिट करें तो उद्योगपति नाराज। डी लिमिट करें और अगर लिमिट ना करें तो आम आदमी पर ये मार कैसे बैलेंस बनेगा भाई? जी के उस बात को पूरा करना चाहता हूं। स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा हो रही है यह किसानों के पक्ष में है, एक बात। दूसरी बात, जो उद्योगपतियों की बात आ रही है तो कल पंजाब में जगह जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पुतले के साथ मुकेश अंबानी जी और गौतम अदानी जी के पुतलों को आम किसानों ने और मजदूर भाइयों ने जलाया है। यह आक्रोश है, यह वो बात ठीक है रोहित जी। मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ वो सवाल मेरा ये है, आपके आगरा और महाराष्ट्र की बारिश नहीं देखी है। पार्टी के लोगों में यह बेचैनी क्यों आ जाती है? आप जब अपना प्रवचन दे रही थी तो मैं सुन रहा था, इसलिए हमारी बातों को सुन लीजिए। लोकतंत्र में की आवाज को आप नहीं दाब सकती हैं। पूरा देश चिल्ला रहा है, कराह रहा है, किसान मजदूर प्रताड़ित हो चुका है। मैं बलिया के गाँव से लाइव हूँ, हैबतपुर गाँव से लाइव हो रहा हूँ। मैं रोज किसानों को और मजदूरों को रोहित जी आप बलिया के एक छोटे से गांव से लाइव हैं, वहां लाइट भी आ रही है, बिजली भी है और इंटरनेट भी है, आपको तो खुश होना चाहिए सब कुछ मिल रहा है। इन्वर्टर पर मैं आपके सामने लाइव हूं, मोदी जी और जोगी जी के राज में श्रीकांत शर्मा जी के कृपा से गांव में बिजली उपलब्ध नहीं है, और जब बिजली नहीं होती है तो इंटरनेट वाले सर्वर को डाउन कर देते हैं। अरे हम लोग विश्व को बिजली देने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने हम भाई रोहित सिंह जी आपने लग रहा पढ़ा नहीं है। प्रधानमंत्री जी 450 गीगा टन बिजली का उत्पादन करने जा रहे हैं अगले साल, सोलर लाइट का, और हम पूरे विश्व में सप्लाई करने जा रहे हैं। महाराज के मिर्जा खेल होली, मोदी जी के राज में वायदे और घोषणाएं प्रति माइक्रो सेकंड होते हैं, लेकिन अब तक मोदी जी का रिकॉर्ड है, 2014 से वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। पिछले 6 सालों के कार्यकाल में मोदी जी ने कोई वादा पूरा नहीं किया। ठीक है रोहित जी, आएंगे आपके पास में। ठीक है हम विभा जी का रुख करेंगे। ठीक है रोहित जी बात आपकी हो गई। ठीक है, किया था उस सवाल को जी। मोदी जी भारत जी में अगर कुछ करना चाहते तो निश्चित रूप से किसानों के लिए करते। मैं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने अरे वन में सरकार को जिस प्रकार से आप तो केंद्र में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी बैठे हैं, तब भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मोदी जी की सरकार ने किसानों की कोई कर्ज माफी नहीं की। ठीक है रोहित जी आपकी बात हो गई पूरी। आ रहा विभा जी का रुख करूंगा। ठीक है भाई, समय कम है रोहित जी, ये मंच नहीं है। आएंगे आपके पास में दोबारा से, आएंगे विभा जी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले कालिंदी जी के पास हैं। कालिंदी जी आप सारे लोगों को सुन रही हैं, आपका अपना कोई कमेंट आप देना चाहेंगी? जी हमारा कहना यही होगा कि जब भी आप देखते हैं सीजन में जी, हर सीजन में सब्जियां जिसकी होती है वो सस्ती होती है जी, और जिसका सीजन नहीं होता है वो महंगी होती है जी, और जो सड़ने वाली होती है, अभी देखे थे लॉकडाउन में टमाटर कितने किसानों ने फेंका, उसको रखने का कोई जगह नहीं मिला। तो ये सब बहुत सारी कारण है, और मैं ये बार बार कहूंगी कि किसानों के तरफ ज्यादा से ज्यादा सरकार को ध्यान देना चाहिए। ठीक है विभा जी, आप बताइए
कि ये जो दिक्कतें चल रही हैं ये तो कोरोना की वजह से हुई है ना, विश्व में इतनी बड़ी महामारी है और महामारी के चलते ही सारी दिक्कतें देश में और पूरे विश्व में चल रही हैं। देखिए मैं ये बता दूं कि ये कोई दिक्कतें कोरोना की वजह से, जो दिक्कतें थी वो जनता ने बखूबी, देखिए सरकार का पूरा साथ दिया था। आपने देखा कि जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का कहा तो सारे पक्ष से लेके विपक्ष सब लोगों ने सरकार का साथ दिया था, जब तक सरकार पर भरोसा था। लेकिन जब सरकार ने कोरोना के नाम पर जनता को और विपक्ष को लूटना शुरू कर दिया, आप देखिए कोरोना के नाम पर एक महीना 20 दिन, फिर लॉकडाउन के बाद भी रिजल्ट कुछ नहीं आया कोरोना के नाम पर। सुनिए मेरी बात, कुछ नहीं आया। नहीं नहीं विभा जी सवाल सुनिए, सवाल भी सुनते जाइए। अगर ये लॉकडाउन उस समय ना होता तो मृत्यु दर आज 3% से 4% से ज्यादा होती, बल्कि 5% होती। आज जो मृत्यु दर आप 1.5% देख रही हैं, ये कहीं ज्यादा होती। और जिस तरह से यूरोप तीसरी वेव से जूझ रहा है कोरोना की, अमेरिका सेकेंड वेव से जूझ रहा है, हम अभी उससे बचे हुए हैं, ये उस लॉकडाउन का फायदा है। जी सिद्धार्थ में कोई जांच की सुविधा नहीं है, आप मरीज जा रहा है अस्पतालों से भगाया जा रहा है, आप लखनऊ के अंदर मरीजों को भर्ती नहीं ले रही हैं, तो क्या सरकार व्यवस्था नहीं कर सकती थी इन मरीजों के लिए? आज मरीजों की जो स्थिति है वो अपने भरोसे, क्योंकि भारत में एक ईश्वरीय कृपा है और खुद लोगों के अंदर इतनी प्रबल इच्छा शक्ति है कि वो उस चीज से लड़ रहे हैं। सरकार की कोई भी व्यवस्था नहीं, मेरी बात सुन लीजिए आप, विभा जी मेरी बात सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, आपके पास पूरा मौका है, आप सीधा सवाल भारतीय जनता पार्टी की नेत्री शबनम पांडे से पूछ सकती हैं, आपकी जो क्वारी है। जी विभा जी, देखिए मैं जब सरकार सत्ता में नहीं थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार क्या कहते हैं योगी सरकार या बीजेपी सरकार, सरकार। मोदी सरकार, आप मोदी सरकार जी, आप जो है मेरा भी कुछ जी जाता है कहने को, ये महंगाई डायन खाए जाते हैं। सुनिए जो चीज जो है कि प्याज लहसुन टमाटर आप लीजिए, क्या कहते हैं दालें कितनी, 150 रुपए किलो उड़द की दाल बिक रही है, 130 रुपए किलो अरहर की दाल बिक रही है, टमाटर 100 रुपए से पार हो चुका है, तो इंसान क्या खाएगा आप बताओ? बीजेपी के नेताओं का झूठा वादा खाएगा, पेट कब तक भरेगा भाई झूठे वादे? बताइए भाई, बताइए सपनम पांडे जी, क्या आपके वादे खाएंगे लोग? और योगी जी और मोदी जी के बगल में बैठने वाले लोग हैं, इनको गरीबी और भुखमरी से क्या पता? किसान नौजवान जो गरीब हैं, जो किसान हैं, जो लॉकडाउन से मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जिनके बच्चे दिल्ली बंबई मुंबई में कमाते थे, ठीक है जवाब ले लीजिए सपनम पांडे जी से, विभा जी सीधा सवाल पूछिए सीधा जवाब लीजिए, ठीक है सपनम पांडे जी जवाब दे दीजिए भाई, क्या आपके वादे खाए थे आम जनता? शबनम जी इज नॉट ऑडिबल, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए प्रदीप जी, शबनम जी और शबनम जी की पार्टी पूरी तरीके से झूठ बोली है जनता के साथ, 420 का है, जिसको कहते हैं 420, 420 के तहत इनके ऊपर मुकदमा करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं सुरक्षित नहीं हुई हैं, मैं बहुत हुई महिलाओं पे अत्याचार अब की बार योगी मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की बार अब की बार जो है मोदी सरकार, तो ये जवाब मोदी जी से लेना चाहिए कि भाई आज टमाटर और प्याज के दाम देखिए, दालों के दाम देखिए, क्या आपने अपने अपने जो चहेते क्या कहते हैं अडानी अंबानी के घरों में भर रखा है, ये चीजें क्यों नहीं सस्ती हो रही है भाई? आम आदमी के घरों में आपने डकैती डाल दी, महिलाओं को इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, किसानों को बीज खाद आप देखिए किस तरीके से बीज और खाद के लिए मार रही है ये सरकार, तो आप किसने धोखाधड़ी की है उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर? मैं कहूंगी ठीक है शबनम पांडे जी की आपको आवाज मिल रही है, 2 करोड़ रोजगार से लेके सस्ती पेट्रोल और डीजल से लेके, ये सब कौन से झूठे, ये झूठे लोग हैं, ये कभी भी जनता के हित में कुछ नहीं सोच सकते। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, सना शेख जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप ही कह रही थी कि जब कांग्रेस के समय में महंगाई बढ़ रही थी तो ये लोग रोज धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आपके लोग कहाँ हैं? आपके लोग तो गायब हैं सीन से।
कांग्रेस की सरकार थी यूपीए, आपने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी यूपीए की सरकार थी शबनम पांडे से जुड़ गई। शबनम पांडे जी विभाजित सवाल पूछ रहे हैं, आप उनका जवाब दे दीजिए। विभाजित शॉर्ट पे सवाल पूछिए जी। आप पूछ सकती हैं विभाजी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे, बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत ही महिलाओं पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार। तो आपके वादे खाए सर, आज जनता आपके वादे खाएं, प्याज लहसुन टमाटर आलू, आलू तक आलू के दाम कितने बढ़ गए, 50 से 60 रुपए किलो आलू है। आप बताइए कोई सपने में सोच सकता है आलू जैसी चीजें इतनी महंगी होगी, तो आप क्या खाएगा? आपके शबनम जी जवाब दे दीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी के वादे खाए लोग? प्रदीप जी जी देखिए साफ तौर पे यहाँ बैठे सभी कांग्रेस सरकार के दौरान जब महंगाई बढ़ी थी तो ये बीजेपी बीजेपी छोड़ मचा दी थी, लेकिन बात बोलते भी सब लोग होंगे कोरोना नहीं आया था, घर में छुपा लिया था। कांग्रेस के समय 1-2 रुपए 200 रुपए की वजह से हो गया, 200 रुपए आप भूल गई है, और तब पैंडेमिक नहीं था तब भी ये भाई आज पैंडेमिक पैंडेमिक को लिया है उसकी तारीफ हर कोई कर रहा है, और ये कह रही है ठीक है ईश्वर की कृपा से जब मोदी जी सरकार अच्छे से चला रहे हैं पेंडेमिक में अच्छी मजाक है ये जोक है जमीन पे आज विपक्ष जिस तरीके से अपने को पैंडेमिक में सुरक्षित समझ रहा है ना, तारीफ करते हुए आपको दिख रहा है। पर मैं कह रही हूँ कांग्रेस के समय पैंडेमिक महंगी थी, आज विश्व में हर कोने में महंगाई है, लेकिन हम पैंडेमिक के समय भी जिस तरीके से व्यवस्थाओं को सुधार रहे हैं ये बात ठीक है ये तो जेन्युइन बात है, ठीक है सना शेख के पास चलेंगे। शबनम पांडे जी बात हो गई आपकी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये जो महंगाई का रोना रो रही है जी, ये जनता की चोट पे कहना चाहती हूँ कि बीजेपी के नेताओं के बैंक अकाउंट ये कोरोना काल से चेक कर लिए जाएं। विभा जी हम दूसरे मुद्दे पर नहीं जाएंगे भाई, हम महंगाई पर ही रुकेंगे, रुकिए आ रहा हूँ आपके पास। कांग्रेस की सरकार हो या सपा की, ये दोनों परिवार ठीक है। शबनम पांडे जी बात हो गई, सना शेख के पास चलेंगे ठीक है। विभा जी थोड़ा समय दीजिए, ध्यान रखिए भाई, आप दोनों रुकिए, 1-to-1 डिबेट नहीं होगी यहाँ पर, रुकिए आप दोनों से अनुरोध है थोड़ा ध्यान रखिए। सना शेख जी ये बात तो सच है कि पैंडेमिक है, विश्व में महामारी है, विश्व की जो मंदी है वो 4% है पूरे वर्ल्ड की, और बाकी जगह तो आप देख ही रही है जीडीपी तो इंडिया में -23.9% हो गई है जी। विभा जी रुक जाइए भाई, एक एक करके बोलिए ठीक है। सना शेख जी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत जो है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत जो है कम है, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल जो है वहाँ पर कम कीमत पर बिकता है। पेट्रोल और डीजल बिक ही नहीं रहा है सना शेख जी। अरे भाई पेट्रोल और डीजल बिक ही नहीं रहा है सना शेख जी, लगातार उसमें कमी आ रही है। जो पहले जो तेल और बिकता था उतना बिक नहीं रहा है। गोदाम भर लिए किसानों। ठीक है विभा जी, जरा सना शेख से एक सवाल पूछ लेते हैं। सना शेख जी, आपकी नेता वो शबनम पांडे ठीक कर रही है, आपकी नेता उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका जी ट्वीट कर देती हैं खाली। वो शुरुआत में तो बहुत एक्टिव थी, लेकिन अब परिदृश्य से गायब है, कहाँ दिखाई नहीं दे रही है, ना धरना ना प्रदर्शन जी। बहुत लोग जनता हर हर तरीके से पॉसिबल कोशिश कर रही है, लेकिन अभी फिलहाल जो लोग सत्ता में शबनम जी आएंगे आपके पास, रुकिए रोहित जी आ रहा हूँ आपके पास जी। जो अभी सरकार केंद्र में भाजपा सरकार, तो क्यों है महंगाई की मार? ठीक बात बताइए शबनम जी, क्यों नहीं कर लेती है? अरे कम हो गई है, आग लगी है, कम हो गई है आग लगी है। छत्तीसगढ़ सरकार में न्याय योजना चलाई गई, न्याय योजना चलाई गई, जिसके अंतर्गत गरीबों को पैसे दिए गए। आप बताइए आपके 15 लाख कहाँ है? आप बताइए आपके 15 लाख कहाँ गए? आप जवाब दीजिए, आपके पास बंगले हैं। ठीक है भाई, आप महिलाओं ने पूरा मंच पर कब्जा कर लिया है। रोहित जी शांति से बैठे सुन रहे हैं। सना शेख जी रुकिए, आपकी बात हो गई। शबनम पांडे जी ठीक है सना शेख जी, आप लोग आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं, विपक्ष जब कुछ कर नहीं पा रहा तो इसमें सत्ता पक्ष का दोष नहीं है। दरअसल सुन लीजिए सना शेख जी, दरअसल सत्ता पक्ष ही विपक्ष का रोल ही अपना रहा है। वो सना शेख जी सुनने की भी क्षमता रखिए, दरअसल सत्ता पक्ष ही विपक्ष का रोल भी अदा कर रहा है, उनके ही विधायक सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप लोग सवाल नहीं उठा पा रहे। ठीक है ये बोलने से नहीं चलेगा। रोहित जी के पास चलेंगे, आ रहा शबनम जी ठीक है, रोहित सिंह जी। अरे ठीक है भाई विभास जी, तो बीजेपी वालों एकदम लूट के पूरा देश उत्तर प्रदेश रहे। अरे भाई रोहित जी का भी ख्याल करिए विभास जी, जरा रोहित जी से सवाल लेने दीजिए। सना शेख जी रुकिए, आ रहा हूँ आपके पास। विभास जी आप भी रुकिए, रोहित जी के पास चलेंगे। रोहित जी सवाल ये उठता है, ये बात तो सच है कि पूरे विश्व में कोरोना की महामारी है, और यूरोप में सेकंड वेव है, अमेरिका में यूरोप में थर्ड वेव है, जो अमेरिका में सेकंड वेव है, इंडिया भी उससे छूटा नहीं है, ऐसे में थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी ही ना। निवेदन करूंगा कि धैर्य से 7 सेकंड का समय मुझे दे दीजिएगा, क्योंकि नवरात्रि का पर्व बीता है, तो आपकी शक्ति की साधना हम लोगों ने की है, तो आप लोग ज्यादा शक्तिशाली बन गई है बहन सना। ये उसी का परिणाम है जो शक्ति की साधना की है जी। अखिलेश यादव जी को ट्विटर बॉय और प्रियंका गांधी को स्टाइलिश गर्ल बना करके पेश किया है, लेकिन देश की जनता ने इस बात को प्रमाणित किया है कि नरेंद्र मोदी जी भारत नहीं विश्व की राजनीति में सबसे बड़े गप्पू हैं, सिर्फ गप करना आता है और मोदी जी को कुछ नहीं आता। शबनम जी आप अतिक्रमण नहीं कर रहा था, समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने कोई अतिक्रमण नहीं किया। प्रदीप जी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को
लोग कंद का गला घोंटने की आदत हो गई है। और रही बात संघर्ष करने की, तो पूरे पूर्वांचल में और उत्तर प्रदेश में युवा चेतना लगातार भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और योगी जी के गलत नीतियों का पुरजोर विरोध कर रही है। महंगाई जो बढ़ी है इसका दोष कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को नहीं दिया जा सकता है, इसका पूरा का पूरा दोष मोदी साहब को जाएगा। कोरोना का तो दोष है ना रोहित जी, जी ठीक है, और आज महंगाई बढ़ गई, आलू टमाटर प्याज खीरा मूली मिर्चा का दाम बढ़ गया, भारतीय जनता पार्टी के लोग दूसरों को थोप रहे हैं। आप पंजाब और राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का हवा करने चले गए, मध्य प्रदेश की सरकार आपको छोड़ दिया। आप बने रहिए हमारे साथ, आपका समय समाप्त हो गया, आप बने रहिए हमारे साथ। शबनम पांडे जी आप भी रुकिए, फाइनल कमेंट का वक्त आ गया है। ठीक है ठीक है, आप दोनों लोग रुकिए भाई। शबनम पांडे जी, रोहित सिंह जी, रोहित सिंह जी बात हो गई आपकी, आपने 60 सेकंड मांगा था, हमने आपको 3 मिनट दिया है। रोहित सिंह जी बात हो गई आपकी, पूरा समय आपको नहीं मिलेगा। रोहित सिंह जी, रोहित सिंह जी सवाल बात हो गई आपकी, ठीक है भाई, ठीक है रोहित सिंह जी हो गई बात आपकी, फाइनल कमेंट के लिए चलेंगे। रोहित सिंह जी बात हो गई आपकी, दोबारा से आएंगे आपके पास। आदत हो गया है जबरदस्ती के पांव उठाने का, और ठीक है रोहित सिंह जी बात हो गई भाई, के संकल्प को साकार करेगी और योगी आदित्यनाथ नामक हिटलर को सत्ता से अपदस्त करेगी। और ठीक है हो गई बात आपकी, ठीक है भाई फाइनल कमेंट के लिए चलते हैं। कालिंदी जी के पास जाएंगे भाई, ठीक है। रोहित सिंह जी, रोहित सिंह जी बात हो गई आपकी, रोहित सिंह जी मैं फिर से कह रहा हूँ ये राजनीतिक मंच नहीं है, इनको राजनीतिक मंच मत बनाइए। डिबेट हो रही, डिबेट रोहित बोल रहे हैं, भाषण हो गया, ठीक है बात हो गई, कैसे निकलेगा इसका निदान, ठीक है बात हो गई आपकी। हाँ बिल्कुल है, बात सलीके से बात रखने का, एक टाइम लिमिट के, यहाँ पर टाइम की लिमिट है। कालिंदी जी कैसे कैसे होगा इस समस्या का समाधान बताइए। देखिए इसका समाधान जी, बातें तो मोदी जी तक पहुंच गया है जी। और आप जो बात कर रहे हैं कि पूंजीपतियों से आलू निकलेगा जी। और देखिएगा मोदी जी कैसे आलू निकालते हैं हाँ। क्योंकि मोदी जी के पास ही सारे चीज का समाधान है हाँ। बाकी इस देश को चलाने वाला कोई और नहीं है मोदी जी के अलावा। और कुछ ही दिनों में आपको दिखेगा कि आलू मार्केट में अच्छे दाम में और सस्ते दाम में निकल आ जाएंगे। चलिए विभा जी फाइनल कमेंट आपका, इस समस्या का समाधान क्या है ये बताइए। दे रही है तो सरकार को जमाखोरियों को रोक लगानी चाहिए और तुरंत ही गरीब किसान नौजवान के हित में फैसला लेके, जो कम से कम आप कुछ नहीं दे पा रहे हैं, बड़ी बड़ी उद्योग नहीं दे पा रहे हैं सरकार जो है आम जनता को, लेकिन कम से कम हमारे पेट का खाना ना छीने, नौजवानों का खाना ना छीने, गरीब नौजवान किसानों की थाली ना छीने। बस मोदी जी से और योगी की सरकार से मुझे यही मैं कहना चाहूंगी। और तो सुनिए एक चीज और है, जो बीजेपी की प्रवक्ता मेरी जो है बहुत समय खत्म हो गया विभाजी, समय समाप्त। सना शेख जी आपका फाइनल कमेंट, आपने लंबे समय तक राज किया है, बताइए समस्या का समाधान क्या है। कम हो और ये जो महंगाई से दूर जाए जनता, ठीक है समस्या का समाधान क्या है। देखिए समस्या का समाधान ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री को आपस में सलाह मशवरा करके आम जनता के लिए कुछ नियम कानून कायदे बनाने चाहिए, जिससे कि आम जनता को कुछ कुछ भला हो सके और हमारे किसानों के लिए कुछ करना चाहिए कि हमारा किचन थोड़ा आसान हो सके। ठीक है बात हो गई, जो कि ठीक है बात हो गई भाई, ठीक है। रोहित जी आपके पास 20 सेकंड है, 20 सेकंड में आपका फाइनल कमेंट, समस्या का समाधान बताइए क्या है। बता देना चाहिए और देश भर के किसानों मजदूरों नौजवानों के प्रतिनिधियों को बुलाकर मोदी जी को 48 घंटे तक गहन चिंतन मंथन कर देश की जमीन की समस्या को समझकर
नई नीति को अख्तियार करना चाहिए, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। शबनम पांडे जी आपका फाइनल कमेंट, कैसे समस्या से जूझेंगी? आपका फाइनल कमेंट, कैसे समस्या से जूझेंगी, कैसे निकलेगी समस्या का समाधान? सीरियस तरीके से और जिम्मेदारी से मैं बता रही हूँ कि कोरोना का काल है, इसमें थोड़ी परेशानियां जरूर हो रही है, ये मौसम है बारिश हो वजह की वजह से तो दूसरे पर थोपने वाली बात तो समस्या का समाधान यह है, रोहित जी कह रहे हैं कि सारे किसानों को नौजवानों को बुला करके प्रधानमंत्री उनसे बात करें, उनके मन की बात सुने और उसके बाद समस्या का समाधान निकाले, क्योंकि जब तक आम लोगों की बात उन तक नहीं पहुंचेगी इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। ये बात तो ठीक है कि जब तक लोगों से उनको बात नहीं पता चलेगी, क्योंकि जो उनके आसपास हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो उद्योगपति हैं, वो उनको अपने हिसाब से ही समझाएंगे। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री जी ने चिट्ठी के माध्यम से तमाम चीज़ों के माध्यम से लोगों के बीच इन्वाइट किए हैं और करते रहते हैं, लेकिन क्या सही बातें उन तक पहुँच पाती हैं, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। तो लेकिन सर उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जनता को महंगाई से राहत कब मिलेगी, कब ये जो सौतन है, ये डायन है, उससे कब राहत मिलेगी, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।